मेरी ऐसी कमाई नहीं, कल भी आप शिखर की थी। भक्ति बहुत कुछ बदल के रख सकती है। ज्ञान चीजों को प्रकाशित करता है। ज्ञान प्रकाश है तो प्रकाश का क्या काम होता है, जहां अंधकार है उसको दूर कर देता है। ज्ञान चीजों को बदल नहीं सकता। ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान चीजों को प्रकाशित करता है, जैसी कोई चीज है उसे ये दर्शाता है। जैसे आपको ये शक हुआ कि पता नहीं ये रस्सी है या सांप, तो आपने वहां पर कोई दीपक इत्यादि, टॉर्च इत्यादि से प्रकाश किया, तो आपको बोध हो जाता है कि ये रस्सी है या सांप। ज्ञान प्रकाशित करता है। भक्ति में समर्थ है चीजों को बदलने की। महर्षि विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, ऐसी भक्ति की, ऐसा तप किया, जीवन काल में ही एक सिंगल उदाहरण, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। भक्ति में ये समर्थ है, वह बदलती है। कहा, मेरे जीवन में इतनी भक्ति नहीं कि मैं कुछ बदल सकता, अतएव अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। सुनाते हैं, मित्र, पिछले जन्म में मेरी पत्नी गदी थी, फीमेल डंकी, मैं कौवा। अपना पिछला जन्म बता रहे हैं, कर्म कहाँ कहाँ किस प्रकार से पकड़ते हैं, किस प्रकार से परमात्मा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन हमारे कर्मों के भुगतान के लिए। मेरी पत्नी पिछले जन्म में गदी थी, मैं कौवा। इसके शरीर पर अनेक जख्म थे, वूंड्स। मेरा स्वभाव इस प्रकार का, कोई परेशान करना का स्वभाव नहीं था। मैं इसके जख्मों पर चोंच मारता, नित्य यही काम। ये भी उधर उधर घूमती होती, मैं भी उड़ता उड़ाता उसके पास आ जाता, मेरा भोजन भी मिल जाता मुझे, और अपने स्वभाव के अनुसार चूंच मारना मेरा स्वभाव है, मैं चूंच मारता था। आज हुआ यूं, चूंच इतनी जोर से बच गई कि मेरी चूंच इसकी हड्डी में फंस गई। लाख प्रयत्न करने पर भी मैं चूंच अपनी खींच ना सका। मेरी हर चूंच मारने से इसे पीड़ा होती थी, दर्द होती थी, होती होगी ऐसा मैं महसूस करता हूं। आज मेरी चोंच हड्डी में फंसी हुई है, निकल नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की, अब इसके पास कोई चारा नहीं, अतएव इसने गंगा जी में प्रवेश किया, तो मेरा प्रवेश भी हो गया, क्योंकि तो मेरी चोंच उसमें फंसी हुई थी, तो मैं भी साथ, हम दोनों गंगा जी में प्रवेश कर गए। गंगा जी में स्नान का फल ये, इस जन्म में मैं ब्राह्मण और वह ब्राह्मण। उस जन्म में अपनी चोंच से जो पीड़ा दी थी, वह अब पीड़ा अपनी जबान से मुझे दे रही है। मेरे किए कर्म का फल मेरे आगे आ रहा है, मैं भुगत रहा हूं। कर्म सिद्धांत कितना अकाट्य है साधक, इससे बचा नहीं जा सकता, छुटकारा नहीं है। मैं चूंच मार के इसे पीड़ा देता रहा हूं। अब ये अपनी जबान से कटु शब्द बोल के, कठोर शब्द बोल के वही पीड़ा मुझे देती है, सो मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूं। तुझे इसलिए भुगतना पड़ा, तू मेरा मित्र है, मेरा अपराध कुछ तेरे साथ जुड़ा हुआ होगा, जो आज तुझे एक बार उसकी कटु वाणी, कठोर वाणी सुननी पड़ी। मत सोचिएगा कुछ निष्प्रयोजन नहीं है, परमात्मा की हर करनी में इतनी एक्यूरेसी है, उसमें कोई गलती की संभावना नहीं। आप कई बार कहते हो, कर्म तो मेरे, भुगतान तो मुझे होना चाहिए, पर मेरे माता पिता क्यों सफर कर रहे हैं, कैसे बच सकते हैं वह, तेरा प्रारब्ध उनके साथ जुड़ा हुआ होगा।
इसलिए उनको भी भुगतान भुगतना पड़ रहा है। परमेश्वर की गति में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है, सब कुछ पर्पसफुली घटित होता है। देयर इज अ डेफिनेट पर्पस बिहाइंड इट। यह पत्नी कर्कश है तो कहीं पति सब चलता है, कहीं पत्नी दुख देने वाली है तो कहीं पति दुख देने वाले हैं। ऐसे दुख देने वाले हैं कि जिंदगी भर दुख एक ही बार में जिंदगी भर का दुख दे जाते हैं अपने अपने कर्मों का फल। एक कर्म पीछा नहीं छोड़ता। समय तो हो गया है देवी सचम, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। आज इसके साथ ही इस प्रसंग को खत्म करेंगे। आज तो भक्त प्रकाश शुरू हो गया है, साधन प्रकाश खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। 100 पुत्रों की मौत उसने देखी है अपने सामने। दृष्टिहीन होते हुए भी पता है कि मेरे 100 पुत्र मर गए हैं। जिंदगी पर भगवान को भगवान नहीं समझा, कृष्ण को कृष्ण नहीं समझा। आज पानी सिर से निकल गया, जब मिलन हुआ तो कहा माधव एक बात बताओ, मैं जन्म से अंधा क्यों हूं? और इन अंधी आंखों ने अपने 100 पुत्रों को अपने सामने मरते हुए मृत्यु के घाट उतरते हुए देखा है, किस कर्म का फल है? राजा भी हो, विडंबना देखिए, जन्म से अंधा हो लेकिन राजा हो, निसंतान नहीं 100 पुत्र, और उन 100 पुत्रों को अपने सामने मरते हुए देखा है, किस कर्म का फल है? भगवान टाल मटोल करते हैं, छोड़ राजन, जो होना था हो गया, क्या करोगे जानोगे नहीं। आप सर्वसमर्थ हो, बुद्धि पलटी, आप सर्वस्पर्थ हो, आप मुझे बता सकते हो, दिखा सकते हो कि ये किस जन्म का फल है। ठीक है, सिर पर हाथ रखा माधव ने, भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सिर पर हाथ रखा तो जैसे एक फिल्म चल पड़ती है, बैक फिल्म चल पड़ी, एक जन्म, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 50 जन्म निकलते जा रहे हैं, 100 जन्म। कर्म पीछा नहीं छोड़ता, 100 जन्म। भगवान ऋषि ने पूछा क्या देख रहे हो? कहा माधव इतनी देर तो कुछ नहीं देखा, लेकिन यही मेरा 100 पिछला जन्म दिखाई दे रहा है। एक किसान देख रहा हूं, हल जोत रहा है, जोता हुआ है, 2 बैल आगे लगे हुए हैं, और जो हल का लोहे का भाग है वह जमीन में उसकी खुदाई ही कर रहा है। छोटी हड़ी आती है उसे उखाड़ देता है। करते करते एक बहुत बड़ी झाड़ी में अटक गया है किसान। बैल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, वो लोहे का हिस्सा वहीं फंस गया है। मैं देख रहा हूं उस किसान ने, कुछ और चारा नहीं चला तो किसान ने झाड़ी को आग लगा दी, झाड़ी सारी साफ हो गई। उसी झाड़ी में छिपी हुई एक सर्पनी अभी 100 अंडे उसने दिए थे, वह अपने बच्चों को नहीं देख सकी, तू अपने बच्चों को नहीं देख सका। उस आग ने सर्पनी बच गई, अंडे तो जल गए लेकिन सर्पनी की आंखें अंधी हो गई। तेरी आंखें भी अंधी जन्म से, तू अपने पुत्र नहीं देख सका जैसे वह अपने बच्चे नहीं देख सके। उसकी आंखों के सामने 100 के 100 बच्चे मर गए, उस किसान ने मार दिए, तेरे सामने तेरे 100 पुत्र मर गए। हाउ एक्यूरेट इज अकाट कर्म सिद्धांत, इससे बचना बहुत मुश्किल। तो साधक से यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए। धन्यवाद।